हेलो एवरीवन, आज मैं जावास्क्रिप्ट में बताने जा रहा हूँ HTML फॉर्म एलिमेंट से आप वैल्यू को कैसे रिट्रीव करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया है। टेक्स्ट बॉक्स में जब हम लोग वैल्यू जो इनपुट करते हैं, उस वैल्यू को अगर गेट करना हो, रिट्रीव करना हो, तो उसे हम लोग कैसे गेट करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे। तो HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए दो मेथड है। एक है यूजिंग गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड, और सेकेंड है फॉर्म नेम के थ्रू। ओके, तो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ यूजिंग गेट एलिमेंट बाई आईडी। जैसे सपोज मान लो कि एक मैंने लॉग इन फॉर्म बनाया सिंपल HTML। ओके, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। ओके, नाम दे दिया लॉग इन डॉट HTML। ओके, HTML ये हमारा टेबल का, ये हमारा HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ नाम दे दिया है लॉग इन। सबसे पहले हम लोग एक इंटरफेस बना लेते हैं सेंटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग यूज किया। आप जानते हैं HTML में फॉर्म हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल, ओके, टी आर, और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लॉग इन विंडो TH, लॉग इन फॉर्म। ओके, अब मैंने यहाँ पे इस टी आर को क्लोज कर दिया है। अब दूसरा रो क्रिएट किया, टी आर, टी डी, यूजर नेम। ओके, फिर यहाँ पे एक हम लोग टी डी बना लेंगे, टी डी राइट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। फॉर्म एलिमेंट से जब वैल्यू को हम लोग रिट्रीव करेंगे यूजिंग गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो यहाँ पर आईडी देते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का आईडी दिया है UNM। ओके, ठीक है, इसी तरह से हम लोग पासवर्ड बना लेंगे। दूसरा फील्ड हमारा पासवर्ड है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी। पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए हम लोग पासवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे टेस्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे। ओके, ठीक है, और मैंने आईडी यहाँ पर दे दिया है PNM। इसके बाद एक लॉगिन बटन हम लोग बनाते हैं। लॉगिन बटन बना लिया जाए, टी आर, टी एच, TH में मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने दे दिया बटन। ओके, और यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया, और यहाँ पर नाम हम लोग दे देते हैं मैं इसका जो कैप्शन शो करेगा फॉर्म पे, लॉग इन। ओके, और इसको TH के अंदर लिखे हैं कि TH के द्वारा जो टेबल का कॉलम का हेडिंग जो क्रिएट करते हैं वो सेंटर में आता है। और आपको मालूम है रो स्पैन और कॉल स्पैन आप ऑलरेडी जानते हैं। मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है कॉल स्पैन जो दो कॉलम को मर्ज करेगा टू। और जहाँ पे लॉग इन फॉर्म आपने यूज किया है यहाँ पर भी मैंने यूज कर दिया है कॉल स्पैन इक्वल टू टू, यानी इंटरफेस हमारा रेडी है। ठीक है, अब हम इस इंटरफेस को रन करा लेते हैं। ओके, अब आप इसका आप अपने अनुसार CSS के थ्रू अट्रैक्टिव लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। मुझे केवल देखना है कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, ओपन इन ब्राउजर। देखिए ये हमारा इंटरफेस है, लॉगिन फॉर्म, यूजर नेम हम इंटर किए,
पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका यूजर नेम पासवर्ड अभी रिट्रीव होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड लिखने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग यूज किया, स्क्रिप्ट ओके। और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया गेट लॉगिन ओके। सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, वेर यूनेम कॉमा पीनेम, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ओके। और वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी ओके। और यहाँ पर देखिए आईडी मैंने क्या दिया था, फॉर्म एलिमेंट का आईडी क्या है, इवन नेम। जो आईडी आप यहाँ पर दिए हैं एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट में, उसी आईडी को हम गेट एलिमेंट बाई आईडी में यूज करते हैं। तो क्या था, इवन नेम ओके। डॉट वैल्यू रिट्रीव हो चुका, उसी तरह से आप पासवर्ड को भी रिट्रीव कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पे पासवर्ड को भी रिट्रीव कर लिया और पासवर्ड का वहां पर आईडी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है ओके। अब यूजर नेम पासवर्ड को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, आप जानते हैं कि प्रिंट हम लोग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक है। मैंने यहाँ पर मैसेज दिया योर यूजर नेम इक्वल टू, यूजर नेम प्रिंट करना चाहिए, तो वेरिएबल हमारा यूनेम है प्लस पासवर्ड। न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे बीआर टैग यूज करेंगे और यहाँ पर मैंने दिया पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू प्लस ठीक है, वेरिएबल नेम हमारा ये रहा पी नेम। तो फंक्शन हमारा रेडी है। और आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको हम कॉल करते हैं। तो हम लॉगिन बटन पे कॉल करेंगे, एक इवेंट का नाम होता है ऑन क्लिक इवेंट राइट, और फंक्शन का नाम है आपका गेट लॉगिन, गेट लॉगिन मैंने फंक्शन का नाम दिया था। प्रोग्राम हमारा रेडी है, अब रन कर करा कर देखा जाए। वेब ब्राउजर ऑलरेडी ओपन है ओके, नहीं यानी ये माइक्रोसॉफ्ट एज रहा है ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यूजर नेम में इंटर किया है सीमेज ओके, पासवर्ड में मैंने इंटर किया नीरज, नीरज। ये आई जो पासवर्ड को विजिबल करने के लिए यहाँ पे ब्राउजर पे फैसिलिटी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज में फैसिलिटी है कि इस आई सिंबल पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड आपका शो कर देगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड हमारा इनविजिबल हो जाएगा। ये ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है। लॉग इन किए, देख लीजिए आपका यहाँ पर आ गया योर यूजर नेम इक्वल टू सीमेज और पासवर्ड इक्वल टू नीरज। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को कैसे रिट्रीव करते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी। दूसरा मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म नेम के थ्रू हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।